बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पीटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। मामला आप सभी जानते हैं, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है। पेपर लीक मामले में कई अफसर जद में आए हैं। दूसरी ओर कैंडिडेट्स की चिंता अब इस बात को लेकर है कि आयोग इस परीक्षा की नई तिथि क्या देता है। इस बीच का समय उनको फिर से रिवीजन करने के लिए मिल गया है, लेकिन अभ्यर्थी ज्यादा खुश भी ना हो, आयोग पर दबाव है कि परीक्षा जल्द ही ली जाए, इसलिए परीक्षा जून के आखिरी सप्ताह में ली जा सकती है। बीपीएससी के सचिव जीवत सिंह ने बताया है कि बरसात का समय आने के पहले परीक्षा ले ली जाएगी, क्योंकि बारिश के समय खासतौर से दक्षिण बिहार में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जून के अंत में परीक्षा ले ली जाएगी। अभ्यर्थियों के बीच ये सवाल भी है कि कहीं बीपीएससी ऑनलाइन परीक्षा तो नहीं ले लेगी। इसका जवाब ये है कि बीपीएससी इतने कम समय में ऑनलाइन परीक्षा ले ही नहीं सकती। ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए अलग से नियमावली बतानी पड़ेगी। इसके लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि परीक्षा वर्तमान तरीके के अनुसार ही होगी। हाँ, इस बार बीपीएससी की ओर से राज्य के सभी डीएम और एसपी को अलग से इंस्ट्रक्शन जरूर भेजे जाएंगे, ताकि प्रश्न पत्र लीक होने की घटना फिर से ना हो सके। प्रश्न पत्र लीक होने से आयोग की काफी भदपिटी है, साथ ही सरकार की छवि को भी गहरा धक्का लगा है। अफसरों पर भी उंगलियां उठी हैं, इसलिए इसे दुरुस्त करने के लिए आयोग मंथन कर रहा है और डीएम और एसपी को जरूरी दिशा निर्देश भी भेजे जाने की बात की जा रही है। दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, मई कई बार बीपीएससी ने पीटी परीक्षा की तारीख बढ़ाई। इस बार 6 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन दिया था, इसलिए आयोग को कभी सेंटर तलाश करने में तो कभी अन्य परीक्षाओं की वजह से तिथियां बढ़ानी पड़ी थी। इस बीच सीटों की संख्या भी बढ़ती रही। 7 अक्टूबर 2021 को 168 सीट बढ़ाई गई, जिससे कुल सीटों की संख्या 723 हो गई। इनमें पुलिस उपाधीक्षक, सहायक निबंधक अधिकारी, अनुमंडल पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी की सीटें बढ़ाई गई थी। 3 नवंबर 2021 को 3 सीटें अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक में बढ़ाई गई, जिससे सीटों की संख्या 726 हो गई। इसके बाद 16 दिसंबर 2021 को 68 सीटें बढ़ाई गई, जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी और कारा अधीक्षक के पद शामिल हैं। सीटों की संख्या 794 हो गई। 28 दिसंबर 2021 को पुनः गृह विभाग में प्रोबेशन अधिकारी की 4 सीटें बढ़ाई गई थी, जिसे कुल सीटों की संख्या 798 हो गई। इसके बाद फिर 4 सीटें बढ़ाई जाने के बाद कुल संख्या 802 पर पहुंची है। शुरू में सीटों की संख्या आपको बता दें कि 555 ही थी, लेकिन अब चूंकि बीपीएससी की पीटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो परीक्षार्थी बार बार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि दोबारा इसकी परीक्षा कब ली जाएगी। उसका जवाब जब जानने की कोशिश की गई, तो सामने ये बात निकल कर आई कि जून के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है कि बीपीएससी पीटी की परीक्षा एक बार फिर से ली जाए। तरीका वही पुराना होगा, लेकिन कड़ाई इस बार थोड़ी ज्यादा होगी, और वो इसलिए क्योंकि इस बार किसी भी तरह की चूक आयोग होने नहीं देना चाहता है, और अगर इस बार अनहोनी होती है या कुछ उस तरह की घटना घटती है जो घट चुकी है, तो समझ लीजिए कि अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं बिहार के अभ्यर्थी। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।